आज देखिए, वास्तव में अगर गांवों में आप जाते हैं तो खेती किसानी होते हुए अक्सर देखते होंगे, लेकिन अब के किसान जो हैं वो ज्यादा सशक्त हो रहे हैं। खास करके अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कई ऐसे गांव हैं और खास करके जो आदिवासी हैं, मूलवासी, वो खेती किसानी करके बेहद ही सशक्त हो रहे हैं, हाथ मजबूत हो रहे हैं। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, चूंकि राजधानी रांची से सटे ही एक गाँव है जहाँ के किसान इसराइल से ट्रेनिंग लेकर के, इसराइल से शिक्षण लेकर के, और यहाँ की जो जमीन है, इनके गांव की जमीन है, गांव के आसपास की जमीन है, लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आधुनिक तकनीक से यहाँ पर खेती की जाती है। सैकड़ों एकड़ जमीन में जो खेती है, चूंकि देखिए मिट्टी कैसे उर्वरक रहे इस पर भी ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ देखिए कई जो आधुनिक तकनीक से कैसे खेती करें वो उसकी ट्रेनिंग जो है यहाँ के सुखदेव उराव जी ने लिया है। तो हमारे साथ सुखदेव उराव जी हैं। सबसे पहले तो कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। स्वागत है मेरा तरफ से भी। अच्छा, कब आप ट्रेनिंग लेने गए थे सुखदेव जी? हम इजराइल गए थे 19-20 में। अच्छा, 2019 को गए थे। अच्छा, एक तरफ लोग आज आदिवासी, ये धारणा रही है कि आदिवासी को लोग पिछड़ा समझते हैं, पीछे समझते हैं, बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने गांव में ही, गांव की मिट्टी से जुड़ करके ही आज सशक्त हुए हैं, मजबूत हुए हैं, और कई ऐसे युवाओं को सशक्त भी कर रहे हैं। जी, पहले तो इस तरह का धारणा काफी चलता था और खास करके देहात में ऐसा धारणा था। ये सब जानकारी के अभाव में लोगों को इस धारणा को मानते थे, लेकिन हमने उस धारणा को दूर किया कि अपने विचार से, अपने बुद्धि विवेक से, और अभी खेती करके यहाँ पर दिखाए। और आसपास के इस क्षेत्र के जितना भी किसान है, टोटल किसान को हम अभी उत्साहित किए, प्रोत्साहित किए, ट्रेनिंग दिए। बहुत सारे किसान जहाँ भी देखिएगा, प्लास्टिक मल्चिंग, ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम लगा हुआ है, कहीं ना कहीं सब मेरा ही देन है कि यहाँ पर खेती हो रहा है। अच्छा, अपने गांव में लगभग कितने युवाओं को इसके ट्रेनिंग दे रहे हैं? गांव में कम से कम अभी 100 युवा हैं और सब एकदम युवा हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अब हमको तो लगता है कि इस गांव को मॉडल विलेज के रूप में बनाएं, खेती के रूप में दिखे, खेती के नाम से उजागर हो, यही मेरा सोच है और अभी हो रहा है। और अभी जो हम लोग का आदिवासी क्षेत्र में लोग सोचते हैं, वही धारणा दूर हो गया है कि अब खेती से लाभ दिखने लगा, तब जाके युवा जुड़ने लगे। बिल्कुल, तो हम इन लाभ की भी बात करेंगे, लेकिन और भी कई युवा हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो हम इधर भी बात करते हैं। और देखिए कितने खुश होकर के, ऊर्जावान होकर के और कार्य कर रहे हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ करके कार्य करना किसे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिये एक युवा है, क्या नाम है आपका? विक्की कच्छप। अच्छा विक्की जी, काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए, सुखदेव राव जी से ट्रेनिंग ली आप? अच्छा लग रहा है, लेकिन तो ऐसा नहीं लग रहा है कि और काम करते, बाहर जाते? नहीं, अब तो लग रहा है कि इसी में काम करें, इसी में खेती बाड़ी करके कमाएं, बाहर जाने से अच्छा है कि हमको काम मिल जा रहा है हम लोग को। बिल्कुल, तो देखिए झारखंड की जो भूमि है, यानी कि झारखंड के लोग अपनी मिट्टी से जुड़े रहना पसंद करते हैं, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है, तो इसका एक इतिहास रहा है और हम आगे भी दिखाएंगे। देखिए दिखाना चाहूंगी कि कई जो अत्याधुनिक मशीन जगह पर दिख जाएंगी, तो मशीन के बारे में भी सुखदेव राव जी ही जानकारी देंगे। अच्छा, ये कब लगा है मशीन? ये फिलहाल में अगला महीना लगा है, मतलब बीते महीना। और ये ड्रिप सिस्टम का ये मेन फर्टिगेशन टैंक है, ये फिल्टर है, और इसी से हम पानी जोड़ेंगे, पानी उधर दूर दूर से लिफ्ट होके आएगा, इसी में जोड़ेंगे, कह के नाली कटवा रहे हैं। तो सिंचाई भी होता है, और देखिए फर्टिलिटी की जो बातें आपने की, तो वो कैसे? इसमें फर्टिगेशन जो होता है, खाद चलाते हैं इसमें, जैसे हम लोग का आजकल रासायनिक उर्वरक जो आता है घुलनशील वाला, तो इसको उसमें सिस्टम को डालते हैं, जैसे बाल्टी में घोल दिए, कोई खाद होगा जैसे यूरिया चाहे डीएपी चाहे जो भी कोई खाद हम चलाना चाहेंगे, बाल्टी में घोल करके इसको यहाँ डाल देंगे और वहाँ से प्रेशर पानी के द्वारा सारा पौधा में चला जाएगा एक साथ। बिल्कुल, आज जो विधि है, चूंकि इन सारी चीजों से, इन सारे सिस्टम से ये सभी चीजें आसान दिख रही हैं। इधर आइए आप, क्या नाम हुआ?
मेरा नाम राजेंद्र उरांव है। सबसे पहले कशिश न्यूज को धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र उरांव है, ग्राम रेंडम पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ा लिखा थे उस समय तो छोटे छोटे थे, तो मैं खेती तो कम ही होता था। सुखदेव राव अपने टोला, जैसे हम लोग का गांव दो टोला में है, एक करम टोला है एक रेंडो है, तो टोला में वो खेती करते थे हम लोग। चाचा के रूप में लगते थे, तो कभी कभी जाते थे देख पाते थे। तो हम लोग भी पढ़ लिख के अब देखें तो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग भी अपना शिक्षित रोजगार हो गए थे, तो अपना कुछ ट्रैक्टर उक्टर खरीद के इसी से किसान लोग से जुड़े हैं। और पर डे लोग का खेते में किसान लोग से सभी कोई घरे आसपास खेते में रहते हैं, सभी कोई गांव में रहते हैं और इसी से खेती उती करते हैं और जुड़ा रहता है। और हम लोग भी लगे रहते हैं ताकि मिलनसार रहता है कि सब, कोई आदमी कुछ भी अगर गाँव में समस्या भी हो जाता है तो हम लोग एक दूसरे से तुरंत आपस में मिल जाते हैं। धन्यवाद। तो गांव से जुड़े रहना और देखिए गांव में जुड़ करके आर्थिक रूप से भी मजबूत होना। और सबसे पहले तो सुखदेव राव जी ने इसकी पहल की, हालांकि सरकार से भी मदद मिली है। और आप दूर दूर तक देख सकते होंगे कि यहां से जो जितना डिस्टेंस दिख रहा होगा, यानी कि सभी जो बंजर भूमि पहले हुआ करती होंगी, इस पर बहुत ज्यादा खेती किसानी पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा। और अब इसे देखिए कैसे इसे उर्वरक बनाया जा रहा है, कैसे इसे उपजाऊ बनाने का कार्य किया जा रहा है। और हम आगे भी लिए चलते हैं कि खेतों में जो लगा है, यानी कि क्या क्या लगा हुआ है, तो हम लिए चलते हैं कि खेतों की ओर भी दिखाते हैं। चूंकि हम कुछ युवा हैं यहाँ पर जिनसे जानते हैं कि अभी वो जो खेत दिख रहे हैं उसमें क्या लगा हुआ है। इसमें तरबूज है। क्या नाम है आपका? घुमेश्वर उरांव। अच्छा, क्या लगा है? तरबूज लगा है। तरबूज लगा जी। अच्छा, अभी खेती करके अच्छा लगता है जी। अच्छा, झारखंड से जो काफी संख्या में लोग यहाँ से पलायन करते हैं, यानी कि पलायन यहाँ के लिए एक अभिशाप कह सकते हैं, इधर आइएगा, तो पलायन यहाँ से दूसरे राज्य में जाते हैं, विदेशों तक लोग जाते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो अपने गांव को छोड़ करके जाते हैं? देखिए, यहाँ जमीन बहुत बंजर पड़ा है, उसको अगर सही मायने में अगर जोत कोड़ करके अगर खेती किया जाए आधुनिक तरीका से, तो बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे तो अभी यहाँ हमारे गांव का जितना युवा लोग है वो सब खेती में जुड़ गया है। हाँ। पढ़ाई लिखाई कर करके और बहुत अच्छा से खेती कर रहा है और बढ़िया पैसा भी कमा रहा है। लगभग कितनी आमदनी? एक एकड़ में लगभग 2 लाख रुपया आमदनी आ जाता है। हाँ। लेकिन खर्चा काट करके 1 लाख रुपया एकदम बचत हो जाता है एक एकड़ में। बिल्कुल, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें या अलग अलग क्षेत्र में बात करें जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी। और देखिए 1 लाख रुपए की कमाई जो है युवा ऐसे भी कर ले रहे हैं, फार्मिंग करके कर ले रहे हैं, तो खेती किसानी से कैसे जुड़े रहे, अपनी मिट्टी से कैसे जुड़े रहे। और अभी फिलहाल हम इस कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दिखा रहे हैं कि कैसे कृषि प्रधान देश जो है, खास करके झारखंड राज्य, कैसे उत्तम बन रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। और खास करके अगर गांव की बात करें तो गांव कैसे सशक्त हो रहे हैं, खास करके फार्मिंग करके, यानी खेती किसानी करके, और कैसे सशक्त हो रहे हैं। देखिये 10 एकड़ की बात करें तो 10 एकड़ में केले की खेती यहाँ पर देखी जा रही है। और कैसे देखिये केले की खेती करके, और इसके नीचे चूंकि हमने पहले भी बताया कि अत्याधुनिक सिस्टम से लैस यहाँ पर जो खेती है वो हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि केले की खेती के साथ साथ कैसे इस जमीन का उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में नीचे शिमला मिर्च लगे हैं, टमाटर भी लगे हैं, तो ऐसे में जो इन्वेंशन है ये लोग करते रहते हैं कि क्या और नया कर सकते हैं, कैसे खेती में और कुछ नया करके ज्यादा से ज्यादा आमदनी किया जा सके। तो फिर से हमारे साथ सुखदेव राव जी हैं। सुखदेव जी, ये जो केले की खेती दिख रही है कितने एकड़ में किया आपने? यहाँ तो केला की खेती हम 10 एकड़ में किए हुए। और बीच बीच में कहीं पर हम लोग ट्राई विशेष पर करते रहते हैं कि नया नया चीज को करना चाहते हैं, तो बीच में केला डाल के देखे कि जगह बचा हुआ था, तो केला के बीच में टमाटर डाले, उसके बीच में कहीं पर डाल दिए शिमला डाल दिए, कहीं पर मिर्च डाल दिए, और सबका
उपज किस तरह से आता है उसको जानने का प्रयास करते हैं, और जो अच्छा उपज आता है उसको फिर बार बार करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ कि केले का जो फल निकला हुआ है उसके नीचे ब्लैक कलर की प्लास्टिक है, यानी काली प्लास्टिक बंधी हुई है, वो क्या है? उसको भी विशेषज्ञ का सलाह लेकर के जानकारी के अनुसार उसमें से अगर हम नीचे पर उसका फूल होता है उसको काट करके खाद और गोबर डाल करके उसमें प्लास्टिक पोलोथीन में बांध देने से उससे फल का जो साइज होता है वो उसको क्या बोलेंगे, साइज बराबर टाइप का होता है। जैसे ऐसे अगर देंगे तो वाला फल जो पहले निकलता है वो बड़ा होता है और नीचे का फल छोटा होता है, तो उसका साइज को बराबर करने के लिए नीचे उसको बांधे हैं और उसको भी देख रहे हैं कि इसका फायदा होता है या नहीं, इसलिए उसको भी अनुभव कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केले की खेती हो या फिर अन्य चीजों की, अब यानी कि केले के पौधे के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसका भी उपयोग कर लिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी चीजें जो है वो जी ने बताई कि जो केले के फल लगे हैं, यानी कि जो केला का फल आया है उसमें नीचे आप देख रहे होंगे कि काले रंग की प्लास्टिक लगी है, यानी कि गोबर डाल करके, गोबर और खाद डाल करके वो बंधा हुआ है, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो उससे जाता है, और साथ ही साथ जो साइज होता है केले का साइज होता है वो बड़ा छोटा ना होकर के बराबर रहता है। कई और किसान है हमारे साथ, इधर आइएगा आप। बहुत अच्छा लगता है, हाँ फायदा भी है और सालों भर इनका जो फल आता आते रहता है तो हम लोग का तो बाजार बना रहता है, अच्छी हो जाती है। जी जी जी, बाजार अच्छा मिल जी जी जी, अभी ठीक है बाजार इसका जी। और ये केला जो हम लोग लगाए हैं ये सब्जी भी खा सकता है और पकने के बाद वो यूज भी हो जाता है खाने के लिए। संतुष्ट है अपने? जी 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 जी, बिल्कुल। तो देखिए अपने बिजनेस से खुश हैं और सरकार से मदद मिलती है कि नहीं? सरकार से तो कुछ जैसे ब्लॉक लेवल से कुछ खादे कुछ बीज मिल जाती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि खुद अपने करें, अपने अपने तौर तरीके से और अपने खर्च से उत्पादन करने से अच्छा रहता है। अब ब्लॉक लेवल जो है वो तो देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हम लोग सोच पाते हैं वो नहीं हो पाता है। तो आत्मनिर्भर किसान है और स्वयं से ही सारा कुछ करना नहीं चाहते हैं मदद, लेकिन हालांकि कुछ खाद बीज भले ही मिल जाता हो लेकिन स्वयं से चाहते हैं कि करें। और हम दिखा रहे हैं कि एक बड़ा एरिया जो है, चूंकि 10 एकड़ का एरिया छोटा नहीं होता है, और ऐसे में जमीन का कैसे सदुपयोग हो सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा इससे आमदनी हो सके, मिट्टी उर्वरक हो सके। कुछ सालों अगर पहले की बात करें तो यहाँ ये बंजर हुआ करती थी, खेती नहीं होता था। अच्छा आप इधर आएंगे, इससे पहले अगर 5-10 साल पीछे की बात की जाए तो क्या यहाँ पर खेती होती थी? खेती तो होती थी पहले, लेकिन जो सिस्टम अभी हम लोग का जो आधुनिक सिस्टम है वो सिस्टम नहीं हो पाती थी, वो जनरल खेती होता था, बाप दादा लोग करते आया था उसी में थे, लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग लिए सुखदेव जी से और ब्लॉक लेवल से, तो उसके बाद हम लोग को दिमाग खुला कि नहीं तकनीकी खेती करना चाहिए, आधुनिक सिस्टम। और ये जो ड्रिप सिस्टम जो लगा है इसमें हम लोग का बूंद पानी है, कम पानी में सिंचाई हो जाता है, सिंचाई हो जाता है और ज़्यादा बेटर भी है। एक भी आदमी आप जैसे छोड़ दीजिएगा बारी में, जैसे हम नहीं रहे तो मेरा भाई को बोल देते हैं कि बारी पटा दीजिए, तो पट जाता है। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इस सिस्टम में हमको खेती करने में बहुत फायदे अच्छा जी फायदे जी बिल्कुल, तो अच्छा भी लग रहा है और फायदा भी हो रहा है। जहाँ एक बार में 100-200 किसान साथ में काम किया करते थे तब जाकर के जो है सोहनी हुआ करता था और बाकी सारी चीजें होती थी, तो ऐसे में देखिए एक व्यक्ति भी अगर चाहेगा कि सिंचाई करना है तो वो टपक सिंचाई विधि से जो है वो सिंचाई भी कर दे सकता है, या जो फर्टिलाइजर सिस्टम है वो कर सकता है, यानी कितने उर्वरक की जरूरत है। अभी सारी चीजों में जो आगे बढ़ रहे हैं तो किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उन्नत हो रहे हैं ये दिखा रहे हैं। और ये आप एक नजारा देख सकते हैं, नमूना देख सकते हैं कि झारखंड का ही, झारखंड में ही एक ऐसा जगह है जहां की इस तरीके से खेती हो रही है। और सिर्फ एक किसान ही नहीं, कई किसान जो है इजराइल गए थे और इजराइल से प्रशिक्षण लेकर के आए थे, और देखिए समय के साथ साथ इन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, कृषि वैज्ञानिक जो है वो आते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो
छोटे जगह है, जो स्पेस है उसका प्रयोग किया गया है। मिर्च, शिमला मिर्च लगा हुआ है, टमाटर लगे हुए हैं, तो आगे भी दिखाएंगे कि जो खेती है वो किस तरीके की हो रही है और क्या क्या लगे हैं। अभी जहां तक हम देख पा रहे हैं दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं और सभी का उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का, और दिखा रहे हैं कि झारखंड में भी किस तरीके से उन्नत कृषि हो रही है, यानी कि जो गांव है, गांव गिरान है, वहां पर अत्याधुनिक विधि से खेती कर के किसान जो है उत्तम हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं। और देखिए यहां से जितनी दूर तक भी नजरें जा रही हैं, वहां पर अलग अलग जो खेती है, अलग अलग फल हो, सब्जी हो, वो लगाए गए हैं। और ये देखिए सरसों का खेत है, और सरसों के साथ साथ यहाँ पर जो मटर हैं, यानी हरे मटर किसको नहीं अच्छे लगते हैं, तो हरे मटर दिख रहे हैं। और उसके बाद ठीक अगर इसके दूसरी ओर बात करें, चूंकि मटर भी काफी जो इसके पौधे हैं वो काफी हेल्दी दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, चूंकि इसमें बहुत सारे फल आए हैं। और देखिये ताजे हरे मटर तो किसे नहीं पसंद होते हैं। दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि प्याज लगे हुए हैं, यानी कि प्याज के साथ साथ मटर है। कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, मैं हमने पहले भी खेती को देखा था, लेकिन एक खेत में एक ही जो चीजें हैं वो लगी होती थी, यानी कि अगर सरसों लगा है तो सिर्फ सरसों ही होता है, लेकिन उसका कैसे मल्टीपर्पस यूज किया गया है, यानी कि प्याज के साथ साथ भी मटर लगे हैं। वही दूसरी ओर दिखाना चाहूंगी कि ये जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, बैगन है लगे हुए, बैगन के साथ साथ पपीता दिख रहा है खेतों में। वही टमाटर देखिए कैसे जो टमाटर हैं, चूंकि प्रतिदिन टमाटर जो है वो टूटता भी है गाड़ियों में, चूंकि इसकी मार्केटिंग होती है, बाजारों में जाता है, तो ऐसे में मिर्च की खेती भी, मिर्च भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में कैसे उन्नत कृषि को उन्नत बनाया जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए, इसमें आए दिन जो है नित नए दिन कैसे डेवलपमेंट हो सके, तो ये दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पर 100 से अधिक ग्रामीण हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अक्सर देखा जाता था कि पलायन जो है ये एक समस्या रही थी, कि यहाँ से लोग पलायन कर जाते थे, दूसरे राज्य में जाते थे या फिर अन्य जगह पर काम करने जाते थे। तो ऐसे में ये गांव जो है एक मिसाल की तरह है, यहाँ के लोग खेती किसानी से जुड़ करके, खास करके जो इजराइल यहाँ से किसान गए थे प्रशिक्षण लेने गए थे, सुखदेव उराव जी की बात करेंगे, आप इधर आएंगे। अच्छा सुखदेव जी, कितनी आमदनी लगभग हो जाती है? आमदनी तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग खेती करते हैं तो 1 एकड़ में अगर 1 लाख खर्च होता है साल में, तो उसमें से 1 फसल में 2 लाख आता है पैसा, जिसमें 1 लाख रुपया खर्च हो गया, 1 लाख रुपया बचत। तो इस तरह से अगर 3 फसल हम लोग करते हैं तो 3 लाख से लेकर के 5 लाख साल में 1 एकड़ पर आता है आमदनी। कितने एकड़ में खेती? यहाँ तो लगभग 300 एकड़ में अब खेती होना चालू हो गया है। पहले 150 एकड़ था, इस बार फिर बढ़ा है, तो 150 एकड़ फिर से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अच्छा 300 एकड़ में खेती लगातार कर रहे हैं, अभी क्या क्या लगा हुआ है? बहुत सारी चीजें अभी तो बहुत सारा चीज लगा हुआ है, मटर है, शिमला है, बैगन है, टमाटर है, सरसों है, फिर फूल गोभी, बंधा गोभी सब तो खत्म हो गया, और बैगन लगा हुआ है, केला तो है, ये है हम लोग का बहुत बड़ा एरिया में, मतलब कभी खाली पड़े नहीं रहते। पपीता भी है, और कहीं पर सहजन भी डाले हुए हम लोग, तरह तरह का कोशिश किए हैं, प्याज है। अच्छा सब्जियों कहाँ तक ये सब्जियाँ जाती हैं? अभी हम लोग का लोकल मार्केट भी हम लोग भेजते हैं, रांची मार्केट भी भेजते हैं, और कभी कभी ऐसा भाव मिलता है तो रिलायंस फ्रेश भी भेज देते हैं, और बाहर भी बोकारो धनबाद इधर भी जाता है। दुबई की बात तो अभी तक हम लोग भेजे नहीं है, लेकिन हम लोग का प्रयास इस बार ज़्यादा एरिया में खेती होगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा तो भेज पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए जितने भी उत्पादन होता है वो बाजार में जाते ही हैं, दूसरे जिलों में भी यहाँ से जाते हैं, साथ ही साथ जो मॉल हैं, मॉल तक ये फ्रेश सब्जियां जो हैं, ताजी सब्जियां पहुंचती हैं, और कभी खेत खाली नहीं रहता, कभी बंजर नहीं रहता।
हम दिखा रहे हैं कि कैसे जय जवान तो कहा ही जाता है, जय किसान भी कहा जाता है और सच में किसान की जय जयकार हो रही है। और देखिए लगभग यहाँ पहले से 150 एकड़ में यहाँ खेती हुआ करती थी, अब 300 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के और सभी जो है बड़े ही खुश होकर के मेहनत से दिल से लगन से काम कर रहे हैं। और फिर से हमारे साथ सुखदेव राव जी हैं। सुखदेव राव जी, कब से ये जर्नी आपने स्टार्ट किया था? देखिए खेती बाड़ी तो हमारे यहाँ पहले से भी होता था, बाप दादा से ही होता है, लेकिन पहले का खेती आधुनिक ढंग से नहीं होता था, वो मैनुअल खेती होता था, पुराने ढंग से होता था, इसलिए खेती से लोग दूसरे तरफ दूसरे कामों में शहर की ओर जा रहे थे और खेती को करने के लिए सामने नहीं आते थे, जिसको हम 2010 से नया ढंग से ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग के सिस्टम से किए और जिसमें हम सफल हुए। और सफल देख करके मेरा गांव अभी 150 एकड़ से लेकर के अभी 300 एकड़ में सबका सहभागी और सबका साथ से हम खेती कर पा रहे हैं और सब लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है कि पहले अपना पुराने ढंग से खेती होता था जिसमें लाभ कम होता था, अब इस ढंग से खेती करते हैं तो इसका लाभ दुगुना हो जाता है, इसलिए खेती पर लोग जुड़ रहे हैं और इसलिए हम भी करवाने में अभी सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सफल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। देखिए जहां तक हम देख पा रहे हैं 300 एकड़ तक घूमना तो संभव नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दिखाया कि कैसे बंजर भूमि को कैसे उर्वर बनाया जा रहा है, उर्वरक बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ कई चीजों की जो खेती है, यानी कि देखिए हॉर्टिकल्चर से भी जुड़ा जा रहा है, फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सब्जियां लगाई जा रही है, दलहन लगाए जा रहे हैं, तो रबी खरीफ के फसल के साथ साथ ये सारी चीजें हो रही है। देखिए दूसरी ओर दिखाना चाहूंगी कि तालाब है, कई जगह पर यहाँ तालाब भी दिखे हैं ताकि पानी का जो संचय है कैसे स्टोरेज हो सके, पानी को कैसे रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए, इसके लिए तालाब भी जगह जगह पर दिख रहे हैं, वहां मछली पालन भी दिख रहा है। और देखिए साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आम के वृक्ष लगे हैं, अमरूद लगे हैं। अच्छा फलदार में क्या क्या लगे हुए? फलदार में अभी यहाँ पर आम लगा हुआ है, अमरूद है, पपीता है और केला तो है ही। इस तरह से कुछ मसालों की भी खेती, जीरा गोल की वगैरह, काली मिर्च। हाँ इस बार हम चाह रहे हैं कि काली मिर्च का भी खेती इस बगान में करेंगे और सब काली मिर्च का खेती को सहारा चाहिए तो आम का पौधा के सामने उसको लगाएंगे और उसको भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ उपजता है झारखंड में। हम दिखा रहे हैं कि कैसे कृषक जो है वो समृद्ध हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं और इसका नजारा जो है झारखंड के ही एक गांव से देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पीछे का दृश्य दिख रहा होगा ठीक उसके बगल में ही एक तालाब दिख रहा है और तालाब में कई मछलियां जो हैं वो दिख रही हैं। तो सच में जो प्राकृतिक